नमस्कार, मैं जिगिसा जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम सांभर मसाला बनाएंगे, तो फ्रेंड्स ये रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखें। इस सांभर मसाले से अगर आप सांभर बनाते हैं तो आपके सांभर रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो रेसिपी को जरूर से ट्राई करें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक बाउल में करी लीव्स लिए हैं, 4 छोटी चम्मच चना दाल, 1 कप साबुत धनिया, 7 से 8 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च ली है, 2 छोटी चम्मच उड़द दाल, 2 छोटी चम्मच मेथी दाने, और ये 6-7 जितने मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, और हल्दी पाउडर है 1 छोटी चम्मच और 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। तो अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे साबुत धनिया। तो धीमी आंच पर हमें इसको लगातार भुनना है, अच्छे से भुनना है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पर सारे भुनने की जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको धीमी आंच पर अच्छे से इसको भुनना है। जब तक खुशबू ना आए और इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक आपको इसको भूनते रहना है। सारी सामग्री को हमें धीमी आँच पर ही भुनना है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 4 छोटी चम्मच चना दाल, तो इसे भी धीमी आंच पर हम भुनेंगे। और हल्की सी ये भुन गई है तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी उड़द दाल। फ्रेंड्स ये थोड़ी भुन जाए ना, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे उड़द दाल। तो 4 छोटी चम्मच चना दाल लिया है और 2 छोटी चम्मच उड़द दाल लिया है। उड़द दाल को भुनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और चना दाल थोड़ी समय मांग लेती है। तो सारी सामग्री जो अभी हम भून रहे हैं ना, वो मैंने इसी चम्मच के मेजरमेंट से लिया है। जो भी स्पून का नाप मैं बता रहे हैं ना, वो सारी इसी तरह की चम्मच से लिया है। तो ये भी अच्छे से भून गया है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ गई है। तो अब हम इसको भी ट्रे के अंदर निकाल देंगे। जितनी भी सामग्री है ना, वो एक एक करके अगर आप भूनते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया से भून जाती है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 छोटी चम्मच मेथी के दाने। मेथी के दाने डालना बहुत ही ज़रूरी है, ये मेन सामग्री है सांभर मसाले की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका भी कलर चेंज हो गया है, धीमी आंच पर मैंने इसको भुना था। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा और काली मिर्च के दाने। जीरा तो बहुत ही जल्दी से भुन जाता है, जीरे को अगर आप ज़्यादा भून लेंगे ना तो कड़वाहट पकड़ लेता है। तो हल्का हल्का ही इसको भुनना है, तो इसलिए मैंने इसको मेथी के अंदर डाल दिया है। और काली मिर्च के दाने को अगर आप नहीं भुनेंगे ना तो भी चलेगा। सारी सामग्री को एक एक करके ही फ्रेंड्स भुनना है, क्योंकि सारी सामग्री को भुनने में समय अलग अलग लगता है। तो कोई सामग्री जल जाती है तो कोई रह जाती है। अब मैंने इसके अंदर करी लीव्स डाल दिए हैं, तो इसको हाथ में लेके हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करेंगे ना तो एकदम बारीक पाउडर जैसा हो जाएगा। तब तक हमें इसको धीमी आंच पर भूनना है। सारी सामग्री को भूनने का समय अलग अलग रहता है, तो सारी सामग्री को एक एक करके ही भूनना है। तो देखते हैं ना, आपने देखा ना कि पाउडर हो गया करी लीव्स का, तो उसको भी मैंने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लाल सूखी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, आप चाहे तो देसी वाली भी ले सकते हैं या मिक्स भी ले सकते हैं। इसको भी हमें अच्छे से भुनना है ताकि इसमें भी बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। कोई भी सामग्री में जरा भी मॉइस्चर रह जाएगा ना तो आपका मसाला है ना वो ज़्यादा महीनों तक आप स्टोर नहीं कर पा सकेंगे। तो ये भी अच्छे से मैंने भून लिया है। गैस अब हम बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सारे सामग्री को मैंने इकट्ठे कर लिए है। आधी छोटी चम्मच हल्दी इसके अंदर हम डालेंगे, तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे हींग, तो वो भी मैंने 1/4 टीस्पून डाल दिया है। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स ये है ना बहुत ही बढ़िया से फैन के नीचे ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे। सारी सामग्री को हम मिक्सी जार में डाल के पीसेंगे।
इसको आप 2-3 महीने तक बाहर रख के ही स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 5-6 महीने के लिए स्टोर करना है तो ही आप इसको फ्रीज में रखें। तो फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। इसको मैं बारीक पीसना है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ही बढ़िया से एकदम बारीक पीस लिया है। आप इसको छान भी सकते हैं, अगर आपका ये अच्छे से पीसा नहीं होता है तो आप इसको छान के भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसको छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि ये अच्छे से पाउडर हो गया है। तो अब हम ये सांभर मसाले को एक बाउल के अंदर डाल देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसके बाद जार में कोई भी कांच की एयरटाइट कंटेनर या प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में इसको भर के हम बाहर ही स्टोर करेंगे। इसको 2-3 महीने के लिए ही हमें बनाना है और फ्रेश यूज़ करना है ताकि इसकी जो खुशबू है बरकरार रहे। अगर फ्रिज में रखते हैं तो 5-6 महीने तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।